सो गाइज़, ये है हमारे पास हमारा iPhone 6s, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आपको ये 2020 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अभी मार्च ख़त्म होने वाला है दोस्तों, और आज इसके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों, अभी इसको मैंने 2 दिन पहले इसको अपडेट भी किया है iOS 13.4 पे। सो वो पहले आप लोग देख लीजिए। और इसकी भी जो प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस समय कितने का आ रहा है और इस प्राइस में आपको अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, iOS 13.4 पे भी चल रहा है, ओके। और पहले हम आपको इसकी प्राइस बता देते हैं सबसे पहले कि ये इस समय कितने का आ रहा है। और जब मैंने लिया था तब भी ये इसी प्राइस में था, ओके। सो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा है दोस्तों रोज़ गोल्ड, और ये रोज़ गोल्ड कलर दोस्तों दिख नहीं रहा है, ये दोस्तों रोज़ गोल्ड, जिसकी प्राइस अभी भी 24,000 रुपये है। 32 GB मेरे पास है, और यही है इसकी रेटिंग दोस्तों। आप लोग फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखते हो, कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले, वैल्यू फॉर मनी और बैटरी, इसमें प्रॉब्लम क्या है, बस बैटरी की ही मार है। अब दोस्तों ये इतना छोटा फ़ोन है तो ये बैटरी तो इसमें ऑब्वियसली कम होगी होगी, 1 एंड से आराम से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो इस वजह से इसकी बैटरी थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है। बाकी इस फ़ोन में आप क्या बताऊँ आपको, बहुत ही दमदार फ़ोन है, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। 25,000-24,000 की प्राइस में मानता हूँ आजकल बहुत फ़ोन आ रहे हैं, रेडमी वालों के हों या फिर वीवो के हों, रियल मी के हों, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन उनसे मैं अपना ये iPhone 6s कंपेयर नहीं करूँगा। देखिए दोस्तों, iPhone की बात ही और होती है, ठीक है। इसको अभी कितना टाइम हो गया मुझे यूज़ करते हुए, 4 से 5 महीने हो गए दोस्तों इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। इनसे 4 से 5 महीने में आपका कोई एंड्रॉयड जो फ़ोन होता है दोस्तों, वो हल्का फुल्का हैंग होने लगता है, ठीक है, मतलब स्लो हो जाता है। लेकिन इस फ़ोन में अभी तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी दोस्तों, ये जैसा था वैसा ही अभी भी है। इसको चलाने में वो मज़ा आ रहा है, मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम पुराना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। अब ये कल जब मैंने इसको अपडेट किया था दोस्तों, यहाँ पे कि ये अपडेट यहाँ पे ये जो Airtel 4G लिख के आ रहा है, ये पहले नहीं आता था लेकिन अब आ रहा है। और यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज दिख रहा है वो भी अब दिख रहा है, जो कि पहले नहीं दिखता था। इसमें जो ब्राइटनेस है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा है इसमें। रही बात गेमिंग की, अगर आप एक गेमर हो, गेम खेलते रहते हो हमेशा, तो दोस्तों आपको ये फ़ोन आपको कभी कभी निराश कर सकता है, क्योंकि इसमें बैटरी उतनी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। सो मैं केवल यही 2 गेम खेलता हूँ, कभी कभी खेलता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा गेम खेलता हूँ नहीं। सो वो भी एक तरीके की बढ़िया चीज़ है दोस्तों। आपके पास अगर गेम वेम खेलना है तो कोई आप एंड्रॉयड ले लीजिए, ये सेकेंडरी फ़ोन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है दोस्तों। यहाँ पे ये है फ़ोन को म्यूट और वाइब्रेट करने के लिए, और ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए, और ये यहाँ पे पावर अनलॉक बटन, ये होम बटन है, फिज़िकल बटन होती है दोस्तों यहाँ पे इसमें, और इसमें फिंगरप्रिंट भी होता है। इसका फिंगरप्रिंट इतना बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों, आप लोगों को क्या बताऊँ। इसको कितना टाइम हो गया है, ये 2015 में आई थिंक आया था दोस्तों, तो 4 साल के बाद आप इसको किसी से कंपेयर करोगे सो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन आज भी ये वही परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब इसकी स्पीड में कोई भी कमी नहीं आई दोस्तों, ये जैसा कुछ समय था वैसा ही आज भी है। ऊपर से इसमें जो अपडेट आते रहते हैं उसकी वजह से ये फ़ोन और ज़बरदस्त चलता है दोस्तों। सो इसमें आप अगर कभी कभार गेम खेल लो, किसी का वेट करो 10-5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, इवन 1 घंटे भी गेम खेल सकते हो तो अभी ज़्यादा नहीं, बैटरी ख़त्म होगी। 1 घंटे गेम अगर बराबर खेलते हो आप तो 20 से 25% बैटरी आराम से ख़त्म हो जाती है इस फ़ोन में। सो वो ठीक है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो आज भी बहुत ही ज़बरदस्त है। iPhone 7 अगर लेना चाहते हो तो उससे बेस्ट मुझे iPhone 6s लगता है। ये प्राइस भी आई थिंक थोड़ी बहुत कम है इसकी, और इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे इसके स्पीकर से देख लीजिए। अब कैमरा दोस्तों आज भी वैसा का वैसा ही है, बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है इसका, फ़ोटो जैसी थी वैसी आ रही हैं,
और इसका जो सेल्फी कैमरा है वो भी 5 मेगापिक्सल का है और ये 12 मेगापिक्सल का। लेकिन ये आज का 5 मेगापिक्सल इस फ़ोन का, और एंड्रॉयड का आप कोई भी 16 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल ले लीजिए, सब बराबर ही है। रैम इसमें दोस्तों 2 GB होती है, 2 GB रैम एंड्रॉयड के 4 से 6 GB के बराबर ही होती है दोस्तों, इतनी अच्छी तरीके से इसमें मैनेजमेंट होता है रैम का। सो ये चलाने में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, आप लोगे ना इसको जब चलाओगे। आप लेना चाहते हो तो आप 2020 में मेरी तरफ़ से आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए अगर मैं 25,000 रुपये ख़त्म कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी बैटरी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। मैं पहले बता रहा हूँ, आप इसको ले सकते हो, आपको दो ही चीज़ें डिसअपॉइंट करेंगी, एक बैटरी और एक इसका स्क्रीन साइज़। लेकिन आप अगर इस सिंगल फ़ोन चाहिए, आपको छोटा फ़ोन चाहिए, तो ये बहुत ही मस्त चीज़ है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही मजबूत चीज़ है। ये जो बटन देख रहे हैं दोस्तों, ये फिज़िकल भी है और वैसे भी, जैसे आप इसको जब अनलॉक करोगे ना तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे टच करोगे तो खुल जाएगा, अदरवाइज आप इसको जब दबाओगे ना, प्रेस करोगे तो भी आपका खुल जाएगा दोस्तों। ये फ़ोन दोस्तों इस समय बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे बेसिकली बहुत पसंद आया दोस्तों। पहली बार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ आईफोन को, तो ये मुझे चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। आप इसको आराम से ख़रीद सकते हो, मेरे हिसाब से आप इसको ख़रीद सकते हो, 2020 में भी आप ले सकते हो। इवन इसको 2020 में लेने के बाद भी आप 2 से 3 साल 4 साल तक, मैं तो कहता हूँ आप अगर सही तरीके से इसको इस्तेमाल करोगे तो 3 साल तक आराम से इसको इस्तेमाल और कर पाओगे। सो दोस्तों मेरे ख्याल से आप अगर लेना चाहते हो इसको तो ले सकते हो, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। सो इसमें यही सारी चीज़ें हैं और अपडेट भी आते रहते, उसके बाद ही फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त चलता है। इसमें जो फंक्शन है वो सारे मैं यूज़ करता नहीं हूँ, और अपडेट करने के लिए सिंपल सा होता है, इसमें ऐप स्टोर खोलिए और यहाँ पे इस फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, जो अभी अपडेट होता है यहाँ से आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हो। फ़ोन दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है, आप इसके लिए जाना चाहते हो तो बेसिकली चले जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए अगर आपको बड़ी स्क्रीन और बड़ी बैटरी नहीं चाहिए। अब फ़ोन को तो चार्ज करोगे हमेशा फ़ोन में ही, तो थोड़ी नहीं बिंदे रहते हैं लोग, जुटे रहते हैं, काम भी करना चाहिए ना, उसके लिए बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, आप इसके लिए जा सकते हो बिल्कुल। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।